और सबसे पहले बात करें सीएम भूपेश बघेल के बिलासपुर दौरे की, जहां राज्य कैंसर संस्थान का उन्होंने वर्चुअल भूमि पूजन किया और इसकी लागत 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संस्थान में सभी तरह के कैंसर के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे अब उपलब्ध होगी। संस्थान में 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों का अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल बालोद में जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव और भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश ने एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों की कमी को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार से यूपीए सरकार के समय जितना एक्साइज ड्यूटी की मांग भी की है। भाव 6 रुपया घटा है, पेट्रोल में 8 रुपया घटा है। और हम तो ये कहते हैं यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उसी दर पे ले आएंगे। इससे राज्य अभी जैसे 6 रुपया और 8 रुपया कम किया तो निश्चित रूप से हमको जो सेंट्रल एक्साइज का जो नुकसान है करीब 570 करोड़ का हो रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया 3 रुपया उस दर पे ले आना। तो करें अमित चौरसिया को और हमारे संवाददाता इसी खास खबर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम बात करें इस खास कार्यक्रम की जिसमें मुख्यमंत्री वर्चुअल जो हैं वो जुड़े हैं, लोगों से उन्होंने बातचीत की है, हालांकि राज्य कैंसर संस्थान के भूमि पूजन का ये वक्त था, लेकिन इस वक्त भी उन्होंने पेट्रोल और डीजल के जो दाम घटाए हैं सरकार ने उसका स्वागत करते हुए वो नजर आए। बिल्कुल, जिस तरीके से दीवानी जी यहाँ पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कैंसर अस्पताल जो बिलासपुर में स्थित है उसका आज वर्चुअल शुभारंभ किया है अपने मुख्यमंत्री निवास से, और जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक कम की गई हैं तो उसका स्वागत करते हुए बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक प्रकार से 4% जो शेष राज्य पर लगाए गए हैं उसका उन्होंने उस पर तंज कसा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जुबानी हमला करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर नजर आए हैं। और जिस तरीके से उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैंगे मोहन मरकाम कई बार कह चुके हैं कि अगर जो एक्साइज ड्यूटी में यदि कमी करता है केंद्र तब हम भी शेष कम करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की जिसकी वजह से यहाँ पर 9.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में कमी आई है, डीजल में 7 रुपए की कमी आई है, तो वहीं पर अब राज्य सरकार भी शेष यदि कम कर दे तो ऐसी परिस्थिति में विभिन्न राज्यों में पेट्रोल की कीमत और कम हो सकती है। तो अब ये बात बड़ी होगी कि कांग्रेस सरकार अपनी बात पर कायम रहती है कि नहीं और भूपेश सरकार आगे क्या कदम उठाती है। जाहिर सी बात है अमित, और ये कहना गलत नहीं होगा ये दिल मांगे मोर, शायद यही बात जो है वो मुख्यमंत्री भी सोच रहे हैं। पेट्रोल डीजल के जहां दाम कम हुए हैं स्वागत कर रहे हैं, वहीं कहते हैं एक्साइज ड्यूटी भी जैसे यूपीए के टाइम में कम थी ऐसे ही घटा दी जाए। बहरहाल कार्यक्रम बहुत ही खास था, कई मंत्री और पदाधिकारी भी इस दौरान में मौजूद थे। इस कार्यक्रम पर ताजा और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, एक राज्य कैंसर अस्पताल के जो इन्होंने आज शुभारंभ किया है वर्चुअल तरीके से, निसंदेह ये न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी बात है, एक बड़ी सौगात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कैंसर के मरीज अधिक मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों में समस्याएं ज्यादा होती है, तो ऐसी परिस्थिति में ये राज्य कैंसर अस्पताल काफी जनता के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और आज इसका जिस तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है पूरी तरीके से, लगभग 120 करोड़ की लागत से यह बनाया गया, इस संस्थान का निर्माण किया गया, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कैंसर अस्पताल में अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा है जहां पर 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड में है, तो वहीं संस्थान में 100 बिस्तर का यह अस्पताल है, तो एक बहुत बड़ा मतलब एक निर्णय लिया। और स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ जिस तरीके से भूपेश सरकार बढ़ती नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं यह है कि मिशन 2023 की तैयारियों में पूरी तरह से भूपेश बघेल जुटे हुए हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से वह जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जनता की नब्ज भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश के लिए बेहतर कदम उठाने की जो कोशिश और गुंजाइश जो बनी हुई है उसको भी बड़े ही बखूबी तरीके से देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सीधे तौर पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम जन तक पहुंच रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। बहरहाल अमित, अगर हम बात करें ये जो खास जो राज्य कैंसर हॉस्पिटल की जो शुरुआत है जिसके भूमि पूजन के लिए वर्चुअली जुड़े,
ये कब तक इसकी सुविधाएं लोगों को मिल जाएंगी, कब तक ये बनकर तैयार होगा, इस पर थोड़ा अपडेट्स दें। से आज इसका शुभारंभ वर्चुअल भूमि पूजन किया गया है। लगभग इसको बनने में जो समय लगेगा, लगभग ये 3 साल का इसमें समय रखा गया है निर्धारित। हालांकि चूंकि सरकार के पास भी समय कम है और सरकार चाहेगी कि मिशन 2023 के पहले इसकी सौगात वह जनता को दे दे, तो आज जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ है और हो सकता है कि इस पे सरकार जल्दी से जल्दी इस पे कार्यवाही करते हुए इसे पूरा करने की कोशिश करेगी, ताकि आने वाले 2 वर्षों के भीतर में जो उनका कार्यकाल का समय बचा है तो उसका उद्घाटन कांग्रेस सरकार चाहेगी कि उनके ही कार्यकाल में हो और इस तरीके से जनता को वह सौगात देते नजर आए, ताकि मिशन 2023 में वोट बैंक भी तैयार हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो तैयारी उसकी वानगी भी नजर आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।